जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के कुछ ऐसे प्रश्न जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे। फॉर्म कहाँ से भरें, सेफ जोन, डेंजर जोन, फेक डाटा वालों से बचें, बच्चों को किया जा रहा गुमराह, यूट्यूब देखकर फॉर्म भरा तो हो जाओगे रेड जोन में, बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, कहाँ से आते हैं ऐसे टीचर, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरें। देखिए, इस चीज़ के लिए तो आपको सोचना होगा कि आपके नज़दीक कौन सा जोन पड़ता है, आप वहाँ से फॉर्म भरें। और साथ ही आप ये ध्यान दें कि आपके नज़दीक के जोनों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, आपको वहाँ से फॉर्म भरना। आप किसी के बहकावे में ना, किसी के चक्कर में ना पड़ें। उसके बाद बात करते हैं सेफ जोन। देखिए भाई, सेफ जोन कोई नहीं होता है। अगर मैं कह दूँ कोलकाता, सिलीगुड़ी या गुवाहाटी सेफ जोन है, तो वहीं से सारे बच्चे फॉर्म भरने लगेंगे। और यूट्यूब पर अगर कोई टीचर इन तीन को बता रहा है, तो दूसरा टीचर दूसरे तीन को बता रहा है, तीसरा टीचर तीसरे तीन को बता रहा है, चौथा टीचर तीसरे तीन को बता रहा है। तो भाई, इस तरीके से ये सारे जोन जो हैं वो रेड जोन ही होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर सारे लोग इस तरीके से सेफ जोन में पहुंचते रहोगे, तो वही सेफ जोन आपका रेड जोन बन जाएगा। तो सेफ जोन के चक्कर में ना पड़े। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट है उसको स्किप कर दें, साथ ही उसके एक दो नीचे वाले भी स्किप कर दें। उसके बाद बात करते हैं जहाँ लोवेस्ट पोस्ट है, उसको भी आप स्किप कर दें। उसके बीच में जितने भी जोन हैं, 10 से 12 जोन जो हैं, वो सभी सेफ जोन में ही आएंगे। आप जरूर वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ये मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन उन 10-12 जोन में आप ये देख लें आपका नज़दीक का कौन सा जोन पड़ रहा है। उसके बाद बात करते हैं डेंजर जोन। देखिए, जो यूट्यूब पर आपको बता दिया जाता है कि ये सेफ जोन है, आप लास्ट में देख लेना, वही डेंजर जोन बन जाएगा। और जो आपको बता दिया जाता है कि ये डेंजर जोन है, वही आपका सेफ जोन बन जाएगा। लास्ट में आप देख लेना, आपको वीडियो में या जितने भी फॉर्म मिलेंगे जब आरटीआई डाली जाएगी, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने ऐसा देखा होगा एलपी के एग्ज़ाम में और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, लोगों ने रेड जोन और सेफ जोन के चक्कर में बहुत सारे बच्चों को बता दिया था कि ये डेंजर जोन है, वहीं से इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया। जब आप समझ लो कि जब उसका आरटीआई है, तो एक ही जोन में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन जिसको ये लोग डेंजर जोन कह रहे थे, वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, बहुत कम कंपटीशन था। तो आप बताइए, जो डेंजर जोन कह रहे थे, उसको सेफ जोन बनवा दिया। बहुत सारे टीचर हैं जो पहले तो पढ़ाते थे, अब पढ़ाई छोड़ के वो सिर्फ इसी में लग गए हैं कि सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा। तो इन लोगों के बहकावे में आप लोग डाटा देख सकते हैं। उसके बाद फेक डाटा वालों से बचे। अब आप लोगों को डाटा दिख रहा होगा एक स्क्रीन पर, क्या आप लोग बताएं कि ये डाटा सही है? क्या इतनी जल्दी इतना डाटा मिल पाना संभव है? भाई, किसी के पास भी डाटा नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। अभी दिन ही कितने हुए एनटीपीसी फॉर्म को ऑनलाइन शुरू हुए, और ये लोग इतना डाटा दिखाने लगे और डेंजर जोन, सेफ जोन, मीडियम जोन, मतलब ग्रीन, रेड, लाल, पीला करने लगे। भाई, इनके चक्कर में ना पड़े, वरना आप जो दो जोन से भरोगे वही डेंजर जोन होगा, और जो लोग इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे वो सेफ जोन में रहेंगे, ग्रीन जोन में रहेंगे। तो इनसे बचें। आप लोगों को दिख रहा होगा डेली इनका एक या दो वीडियो आना होता है, और बस इसी के जरिए ये रहा सेफ जोन, टॉप 5 जोन। भाई, इस तरीके से आपको फॉर्म नहीं भरना है, आप अपने खुद के दिमाग से सोच सकते हैं। उसके बाद बच्चों को किया जा रहा गुमराह। देखिए, जब आप डेंजर जोन में आ जाओगे, तो आप अगर 100 में 80 भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर जो ग्रीन जोन में फंस गया, उसके अगर 70 भी है, 60 भी है, तो भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने यूट्यूब से वीडियो नहीं देखा था कि आपका सेफ जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, पतले मेहनत करने के बावजूद भी आप सिलेक्शन ना ले पाए, क्वालिफाई ना कर पाए। उसके बाद यूट्यूब देखकर फॉर्म भर रहा तो हो जाओगे रेड जोन। यूट्यूब पे आपको बता दिया था ये है ग्रीन जोन। अब ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही फॉर्म भर रहे हो, आप ही वीडियो देख रहे हो, आपके जैसे लाखों बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी उसी जोन में जाएंगे, तो क्या वो ग्रीन जोन रहेगा? आप खुद सोचें। तो इस चक्कर में ना पड़े किस जोन से फॉर्म भरना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करो। तो इन टीचरों से मेरा यही कहना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, जोन का जो चूज है वो खुद से करें, अपने आसपास का करें, जहाँ पे उनको फ़ायदा दिख रहा हो वहाँ से करें, जहाँ उनकी भाषा हो वहाँ से करें। तो आप लोग बिल्कुल भी गुमराह ना करें बच्चों को, उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बच्चे मेहनत तो पूरी करेंगे, 100 में 80 नंबर ले आएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या काम करेंगे आप? तो आप लोग खुद सोचें, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। कहाँ से आते हैं ऐसे टीचर? देखिए, अभी तक तो पढ़ाते रहे, पढ़ाने में आपके 1K 2K व्यूज आए, लेकिन अब इन्होंने क्या देखा कि चलो इसकी वीडियो बना दे, कौन सा जोन चुने, तो अब इसमें आ रहे 40K 50K, तो इन्होंने अपना धंधा बना लिया। भाई, अपने फायदे के चक्कर में स्टूडेंट का लॉस कर रहे हो, और आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों के साथ धोखा नहीं हो रहा है? कितने सारे बच्चे आपको देख रहे हैं। तो बच्चों को भी इस चीज़ का समझना चाहिए, ऐसे टीचर से सावधान रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो आप लोगों को हमारे चैनल पर स्ट्रेटजी मिल जाएगी। बेस्ट स्ट्रेटजी बताई गई है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है ये भी बताया गया, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कितने घंटे पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है। तो आप जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 10+2 का फॉर्म हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के, इन लोगों के बहकावे में ना आए, कोई भी ग्रीन जोन, रेड जोन ना देखें। हाँ, अगर आपको वीडियो देखना है, तो जिस भी यूट्यूब टीचर ने आरटीआई डाला हो और आरटीआई से आपको न्यूज़ दे रहा हो, आप वो वीडियो देखें, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है।
तो RTI आपको कब मिलेगी, जब आपके फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में जल्दीबाजी ना करें, आप अपने सोच के अपने समझ के पिछले ईयर की कट ऑफ देख के अपने हिसाब से ही जोन का चयन करें और अपने आसपास का ही भरें, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी जॉब करनी है, केवल एक दो साल के मजे नहीं लेने हैं, सारी ज़िंदगी वहाँ पर रह के जॉब करनी है। तो आप लोग अपने हिसाब से ही जोन को चुनें, किसी के बहकावे में ना आए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।